प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यूं तो गरीब किसानों की मदद के लिए शुरू की गई थी ताकि कृषि कार्यों में आने वाला खर्च किसानों के लिए बोझ न बने, लेकिन यूपी के रॉबर्ट्सगंज में इसका लाभ माननीय भी ले रहे हैं। जी हाँ, सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन गरीब किसान के लिए बनी योजना से सांसद और विधायक पोषित हो रहे हैं, जिसका खुलासा तब हुआ जब कृषि विभाग की ओर से भेजी गई सूची का सत्यापन किया गया। मामले का सत्यापन करने पर पता चला कि सांसद पकौड़ी लाल के खाते में 9 किस्तें जा चुकी हैं, जबकि उनके विधायक बेटे क्या लिस्ट में नाम है लेकिन किस्त आधार सत्यापित न होने पर नहीं पहुंची। मामला संज्ञान में आने के बाद तहसील अधिकारियों का कहना है कि यह गलत है और जांच के बाद इसे निरस्त किया जाएगा, इसकी रिकवरी की जाएगी। ये दो नेता हैं यहाँ के, राहुल प्रकाश विधायक और सांसद पकौड़ी को, उनका ये कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि उनके खाते में गई है, क्या है वस्तु स्थिति? देखिए, वस्तु स्थिति ये है कि माननीय विधायक राहुल प्रकाश जी हैं, उनका तो नहीं जा रहा है और सांसद महोदय का जो है जांच हम लोग करा ले रहे हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति आएगी तो जो इसकी वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। जैसे लिस्ट में नाम है राहुल जी का, जो लिस्ट दी गई है उसमें नाम है तो उसमें, इसमें एक चीज और है कि उनका आधार एक्टिव न होने के कारण अगर आधार एक्टिव हुआ होता तो फिर उसका शायद चला जाता नहीं। हाँ, ये हम लोग सत्यापन भूले का अंकन का इस समय सत्यापन चल रहा है, सारे तहसीलों के मार्फत लेखपालों के द्वारा कराया जा रहा है, तो उसमें अगर अपात्र कोई इस तरह के आते हैं तो उनका किया जाएगा, और जो विधायक जी का इसमें इनका कहीं भी कोई किस्त नहीं गई हुई है। अच्छा, ये सांसद जी का 9 किस्त जारी होने का जो तहसील में गया है कागज, उसमें 9 किस्त जारी होना दिखाया जा रहा है, क्या 9 किस्त जारी हुए हैं? ये जांच करने के बाद ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी आधार नंबर मेरे पास नहीं है, जब नंबर आ जाएगा तो उसके बाद हम आपको बता देंगे। तो अभी अगर मान लीजिए निकलता है उनका, फिर क्या करेंगे? अगर निकलता है तो उनको नियमानुसार जो पैसा है वो जमा करना पड़ेगा। सांसद को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ कैसे मिला, किसकी गलती से यह हुआ, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन लाभार्थियों की सूची में रॉबर्ट्सगंज के सांसद पकौड़ी लाल कोल और उनके पुत्र 96 विधायक राहुल प्रकाश कोल का नाम दर्ज है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि सांसद खाते में सम्मान निधि की 9 किस्तें भी चली गई थी। इस बीच विधायक का आधार सत्यापित न होने के चलते उनकी किस्त नहीं जा पाई। मामले के सामने आने के बाद उप कृषि निदेशक ने जांच की बात कही है, वहीं सांसद कोल ने भी मामले में जांच कराने की बात कही है। हालांकि सांसद के परिजनों का कहना है कि कुबरी पटेहरा स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में उनका खाता तो है, हालांकि किस मद से पैसे आए इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि सांसद पकौड़ी लाल पटेहरा कला गाँव के रहने वाले हैं। पटेहरा कला की सूची में सांसद पकौड़ी लाल कोल की पत्नी पन्ना देवी का नाम अंकित है। इसकी आईडी संख्या UP25291098 है। इस सूची में रॉबर्ट्सगंज सांसद पकौड़ी लाल का नाम भी अंकित है। इनकी आईडी संख्या है 25300939. वहीं क्रम संख्या 695 में 96 विधायक राहुल प्रकाश का नाम दर्ज है और इनकी आईडी संख्या UP25303259 है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि पकौड़ी लाल अपना दल एस के नेता हैं और अपना दल एस के टिकट पर ही सांसद बने थे, जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।